दोस्तों हमारी है ऑडियो स्टोरी विश्वास में धोखा। एक दादाजी श्यामू को समझा रहे थे, बेटा चोरी करना बुरी बात है और आज के समय में किसी के लेने और देने में नहीं पड़ना चाहिए। जो बच्चे अपने ही घर में अपने माता पिता को अज्ञात में रखते हुए चोरी करते हैं, उनसे कभी बेटा दोस्ती नहीं करनी चाहिए। जब वो अपनों के नहीं हुए तो वो इस संसार में या आपके कभी नहीं होंगे। समझ गए बेटा श्यामू, हमारी हर बात का ध्यान रखना जो कहा है। श्यामू कहता है, जी दादाजी समझ गया मैं आपकी बात। मैं ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहता हूँ। दादाजी अब मैं स्कूल चलता हूँ। श्यामू दादाजी से आज्ञा लेता है और अपने दादाजी के पैर छूता है। दादाजी, हाँ जाओ बेटा स्कूल पढ़ के आओ। श्यामू दादाजी के पैर छूकर चला जाता है स्कूल। दादाजी ने चलते चलते आशीर्वाद दिया, खुश रहो बेटा, खूब पढ़ो लिखो। श्यामू को और सारे लड़कों को टीचर ने क्लास में पढ़ाते हैं। सारे लड़कों से टीचर बारी बारी प्रश्न पूछते हैं। कुछ बिगड़े हुए लड़के टीचर के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं और श्यामू टीचर के प्रश्न का उत्तर दे देता है। छुट्टी होने के बाद लड़के होटल में नाश्ता करते हैं, वहीं श्यामू अपना नाश्ता अपने टिफिन से करता है। सारे लड़के अपना नाश्ता टिफिन से बाहर कूड़े में फेंक देते हैं। वह सब श्यामू देख रहा होता जो दूसरे बच्चे कर रहे होते। श्यामू, तुम लोगों ने घर का लाया हुआ टिफिन कूड़े में फेंक दिया, ऐसा सबको नहीं करना चाहिए। लड़के बोलते हैं, तो क्या हुआ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। श्यामू, भाई फर्क उनको पड़ता है जिसने मेहनत करके कमाया है, उसे इसकी कीमत का पता है। वो हमारे लिए तो काम करते हैं। श्यामू भाई, तुम लोग अपने मम्मी पापा के लिए क्या कमा रहे हो, दिन रात वो तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं कि मेरा बेटा पढ़े लिखे, सारी उसकी ज़रूरतें पूरी हों। तुम लोग उनकी मेहनत की कमाई ऐसे होटलों में फालतू में उड़ा रहे हो, उनके पैसे बर्बाद कर रहे हो। मम्मी सुबह उठकर तुम्हारे लिए लंच पैकेट बनाती हैं,
जो कहते हो वो बनाती हैं स्कूल टिफिन के लिए, उसको आप लोग खाते नहीं हो, उसे अपने कहीं कूड़े बॉक्स में डाल देते हो, कहीं भी फेंक दिया। एक दिन तुम अपने पापा के पीछे जाओ, तुम्हारे पापा पैसे कैसे कमाते हैं, वह कितनी मेहनत करते हैं। लड़के अपने अपने पापा की मेहनत देखते हैं, कोई सब्जी बेच रहा सबकी हुई धूप में, कोई रिक्शा चला रहा, कोई घरों में पेंटिंग कर रहा। सारे लड़के अपने पापा की मेहनत देखकर पछतावे में हैं। सब आपस में बात करते हैं, भाई हम लोग गलत थे, श्यामू ने जो कहा उसकी एक एक बात सही थी, आज हमारी आंखें खुल गई, चलो हम लोग उससे माफ़ी मांगते हैं कि उसने आज हमको बहुत बड़ी सीख दी है। सारे दोस्त श्यामू के पास पहुंच गए। श्यामू भाई हमें माफ़ कर दो, हम गलत थे, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। श्यामू भाई ये शिक्षा, सारे लड़के कहते हैं तुम्हें किसने दी? श्यामू भाई लोग ये शिक्षा हमें हमारे दादाजी से मिली है। सारे लड़के आज से हम भी अपने दादा और दादी या अपने बुजुर्गों के पास बैठेंगे, तो इससे उनसे जीवन के बहुत से आधार मिलते हैं। हमारे गांव समाज में कौन कैसा व्यक्ति है, तो उससे एक नसीहत मिलती है। तो आने वाले समय में हम किसी बुरे संकट से बचने को में हेल्प मिलता है, ऐसी बातें वो हमको बता जाते हैं कि समाज में कैसे बुरे लोग हों, उनसे हम लोग दोस्ती पहले से नहीं रखेंगे तो वो हम कहाँ वो उससे हमको फंसा लेंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ऑडियो स्टोरी पसंद आई हो तो हमारी स्टोरी को लाइक करना और शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय माता दी।